हैप्पी करवा चौथ एवरीबॉडी। आज आप देख सकते हो आज करवा चौथ सभी को हैप्पी करवा चौथ। सो मैं अभी आई हूँ जस्ट आई वाज कम हियर टू सी द मून। मैं चांद देखने करवा चौथ जो है फ्रेंड्स मैंने किस तरह मनाया ये मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी और करवा चौथ के लिए मैं ऊपर टेरेस पे आ गई थी और साधारण एक 11 बजे हमें चंद्र दिखा और मैंने चंद्रमा की पूजा करना शुरू कर दी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं चंद्रमा को आरती कर रही हूँ और आरती करने के बाद फिर मैंने जो है अपने पति की भी आरती की और फिर जो है यह व्रत जो था वो खोला। यहाँ पे एक्चुअली वीडियो शूट अच्छे से हो नहीं रहा था इसके लिए मैं कंफर्म कर रही थी। यहाँ पे मैंने चांद को देखा फिर अपने मास्टर को देखा और फिर इस तरह से जो बोलते हैं ना कि आप चंद्र को भी दिखिए अपने हस्बैंड को भी दिखिए तो उस तरह किया ये व्रत। दूध फिर पानी इनका ये अर्पण किया जाता है भोग लगाया जाता है इस दिन आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और मुझे यह व्रत करके बहुत ही अच्छा लगा। यह व्रत जो सुहासिनी महिलाएं रहती है वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए की करती है। इस दिन सुबह जल्दी उठती है महिलाएं और सुबह ही उनकी जो सासू माँ रहती है वो उनको जो है जो 16 श्रृंगार का सामान रहता है फिर खाने के लिए जो रहता है खाने के लिए मीठा भोग ऐसा सब देती है और वो सुबह ही यह महिला खा लेती है। और जब वो सुबह खाने के बाद फिर एक बार उपवास स्टार्ट हो गया फिर वो पूरा जब तक उनको चांद नहीं दिखता है तब तक उपवास करती है। और ऐसा अगर आपने किया मतलब ऐसा निर्जल उपवास अपने हस्बैंड के लिए लिखा तो पति की आयु बढ़ती ऐसा बताया गया है। 16 श्रृंगार करना आभूषण पहनना फिर इसके बाद आप शिव पार्वती गणेश जी कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा करना यह बहुत शुभ माना जाता है। व्रत में आपको सोना नहीं चाहिए। फिर पकवान से भरे 10 करवे मिट्टी के बने बर्तन जो रहते हैं वो गणेश जी के सम्मुख रख के प्रार्थना करनी चाहिए। करवे में रखे लड्डू जो रहते हैं वो पति के माता पिता को वस्त्र धन आदि के साथ ज़रूर देना चाहिए। विवाहित महिला को ये करवे पूजा के बाद बांट देना चाहिए। निराह रहकर दिन भर गणेश जी का जाप करते आप चंद्रमा देख सकते हो। यहाँ पे चंद्रमा आ गया मेरे यहाँ। रात में चंद्रमा के दिखने पर अर्घ्य प्रदान किया जाता है। करवा चौथ आप 12 से 16 साल तक कर सकते हो। अगर समझो आपका शरीर नहीं साथ दे रहा है उसका उद्यापन भी कर सकते हो। लेकिन हाँ यह व्रत जो था अभी 13 अक्टूबर गुरुवार को आया था कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया गया है ये। सो ये बहुत शुभ दिन था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यह करके शिव माता पार्वती की पूजा करना और इस तरह का मेरा यह जो दिन था वो बहुत ही अच्छा गया। और आप देख सकते हो जो मून है वो चला गया है। मैं ये वीडियो बंद करना चाहा था तो सोचा आई शुड टॉक विद यू। तो अभी जो आपका फास्ट सबका हो चुका है क्या मुझे बताइए और कितना टाइम आपने वेट किया है वो भी मुझे शेयर कर सकते। दिस इज माय गेटअप फॉर द करवा चौथ। दैट्स वेरी सिंपल आप ये देख सकते हो। और ये मेरी जो है फ्रेंड्स निर्जल व्रत करना मतलब पानी का बिल्कुल नहीं सेवन करते थे तो ऐसा व्रत आप भी कीजिए और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। बाय।